हेलो एवरी वन वेलकम टू फ्री स्टडी सो नेक्स्ट वीडियो फॉर सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एंड नाउ वी आर डूइंग द कंपाइलेशन थ्रू माई नोट्स एंड दीज आर फुल फ्लैज नोट्स यू कैन मैच दम विद द पी डी एफ एज़ वेल सो यहाँ पर मैं पेज नंबर लिखना भूल गई हूँ सो पेज नंबर थर्टी सिक्स टू फोर्टी फाइव आज हम पेज नंबर करेंगे सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है ठीक है तो उनके भी टेन पेजेस हैं मेरे भी टेन पेजेस हैं बट काफ़ी एक तरीके से मैंने कॉम्प्रेस कर दिया है एंड एक निचोड़ निकाल लिया है अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको आंसर राइटिंग की तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं I mean, and मैं आपको दिखाऊंगी भी कि प्रल्लम्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मीन्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं तो उनके भी मैं स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगी पीडीएफ इसीलिए नहीं यूज़ किया ड्यू टू कापीराइट इशूज़ एंड आई डोंट वांट कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से चैनल बंद हो जाए सो इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दैट पी आई एम मेकिंग द नोट्स आउट ऑफ द पी डी एफ एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओके एंड इफ यू वॉन्ट जैसे कि मैंने uh, कल पोस्ट भी किया था कि आप से थर्टी से भी ज़्यादा ई मेल्स रिसीव हुई एक्चुअली मैंने तो सिर्फ ट्वेंटी ही एक्सपेक्ट की थी क्योंकि ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली मीन्स कॉमेंट करते हैं या एक तरीके से टच में रहते हैं कि रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन तो लेकिन थर्टी से भी ज़्यादा ई मेल्स रिसीव हुई क्योंकि मेरा जो चैनल पर व्यूज़ हैं आई नो वो इतने ज़्यादा नहीं है ड्यू टू लेस एडवर्टीजमेंट एंड वट एवर बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं थोड़ा चैनल को प्रोमोट करने में ज़्यादा टाइम लगता एंड मैं वीडियोस अपने फायदे के लिए भी बनाती हूं क्योंकि मेरा खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होती है रिवीजन होती है एंड इसके साथ साथ मैं सोचती हूँ कि अगर किसी और का भी फ़ायदा हो सके तो क्यों नहीं इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ एंड इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को शेयर कर दें ठीक है तो आप शेयर किया कीजिए लाइक किया कीजिए क्योंकि अगर लाइक्स करते हैं तो रिकमेंडेशन में आ जाती है वीडियो चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेन पेजेस आप पी से बाद में मैच कर लीजिएगा पहले इसको देख लीजिए एंड जो ई रिसीव हुई हैं तो मैं अभी एक दो दिन टाइम लगेगा कि किस तरीके से आपको ये नोट्स जो है वो दिए जा सकते हैं कम कॉस्ट पर क्योंकि पहले एक बार सितंबर का पूरा ये बन जाए तो जितने भी ई रिसीव हुए हैं तो सब पे रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल सो so. मैं आपको चैनल में एक वीडियो ही बनाकर बता दूंगी कि किस तरीके से आपको ये नोट्स मिल सकते हैं ठीक है सो दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली बट वो सिर्फ इस कॉस्ट के लिए होगा क्योंकि हमें आ, उस इंस्टामोजो पे ये पी डालने होंगे ठीक है तो आप ये मत सोचेगा कि बहुत महंगा होगा तो हम देखें भी ना ऐसा नहीं है एक बार देख लीजिएगा ओके सो so, स्टार्ट करते हैं वट इज़ जुडिशियल डिसक्वालिफ़िकेशन और रिक्यूज़ल सो ये पूछा जा सकता है कि रिक्यूज़ल क्या होता है जुडिशियल डिसक्वालिफ़िकेशन क्या है मीनस में भी पूछा जा सकता More, है वन थिंग मोर ये जीएसटू के टॉपिक्स हैं तो ये इसके क्वेश्चंस तो हम पहले बाद में देखेंगे तो पहले समझ लीजिए कि रिक्यूज़ल या जुडिशियल डिसक्वालिफ़िकेशन क्या होता है अगर सिंपल शब्दों के अंदर कहें तो इसका मतलब ये है है कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने एथिक्स के अंदर वर्ड सुना होगा कि मान लीजिए कोई आपके पास केस लेके आता है लेकिन उस पर्सन को या आपको ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर मेरा ही कोई रिलेटिव एंगेज है तो आप क्या करते हैं उस केस से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं कि आप इसे और के साथ लेकर जाइए एंड वहां पर इसे कंटिन्यू कराइए तो इस तरीके को बोलते हैं जुडिशियल डिस्कालीफिकेशन और रिक्यूजल अब थोड़ा सा ये न्यूज़ में क्यों है एंड थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं यू कैन मैच देम विद द पीडीएफ काफी इंफॉर्मेशन ऐसी है देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूं तो मैं हर एक इंफॉर्मेशन नहीं लिखती बट क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं तो ये कंप्लीट नोट्स हैं ट्रस्ट so, बनाकर रखिएगा तो देखिए सबसे पहले है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं वो बच गए हैं रिगार्डिंग वॉट एक बेल एप्लीकेशन फाइल की थी किसने uh, पुराने मीन्स एक रिटायर्ड डीजीपी ने सुमेध सिंह सैनी ने किसके लिए बिकॉज ऑफ अ मर्डर ऑफ अ मैन इन 1991 तो काफी पुराना केस है तीस साल अराउंड पुराना केस है लेकिन जो जज हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के उन्होंने ये जो uh, को केस है वो रेफ़र कर दिया है किसको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंडिया थोड़ा कम यूज़ करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है रिक्यूज़ल या जुडिशल डिस्कवालिफ़िकेशन का मतलब एक ऐसा एक्ट जहाँ पे आप अपने आप को बचाते हैं एब्सटेन करते हैं रोकते हैं किसी भी पार्टिसिपेशन से किसी भी एक्शन के अंदर जैसे कोई लीगल प्रोसीडिंग केस है तो आप उससे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं क्यों क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसके बीच में आपके बीच में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बीच में ठीक है सो so, इसका मतलब होता है जुडिशियल डिस्कवालिफिकेशन और रिक्यूजल अब देखिए आप कब कब अपना जो मीन्स रिक्यूज़ल है या कब आप किसी केस को डील करने से मना कर सकते हैं जब मान लीजिए जज को ये लगे कि बाइज हो सकते हैं हम किसी के फेवर में एंड किसी के अगेंस्ट हो सकते हैं दूसरे इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं एंड वन थिंग मोर ये जो मैंने थोड़ा दो कलर में हाईलाइट कर दिया ये वाला बाई मिस्टेक हाईलाइट हुआ है एंड बाद में मुझे टाइम नहीं मिला इसको हटाने का सो बाकी मैंने थोड़ा हाईलाइट भी करना सीखा है कि किस तरीके से हाईलाइट करना है तो आपको जो नोट्स मिलेंगे इंस्टामोजो पर उस उसके अंदर हाईलाइट किया हुआ भी मिलेगा ओके सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि और किन किन पॉइंट्स के अंदर एक्यूजल हो सकता है जब मान लीजिए किसी जज का किसी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं मीन्स वहां से अपना हाथ या अपना नाम जो है हटा सकते हैं या मान लीजिए आप कोई लॉयर थे पहले ठीक है कोई जज है वो पहले उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो लॉयर का है बैकग्राउंड जो है वो लॉयर का है एंड उन्हें लगता है कि मैं इस केस के साथ अभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा या मान लीजिए कोई पर्सनल नॉलेज है आपको किसी पार्टी के बारे में जो आपके पास केस लेकर आया है ठीक है या कोई और आपको किसी लॉयर ने कुछ बताया है सो इफ़ यू डोंट फील कम्फर्टेबल इफ़ एनी जज डजन फील कम्फर्टेबल तो वो उस जज को केस को लेने से मना कर सकते हैं या कोई रूलिंग ऐसी आई हो कोई कमेंट या कोई कंडक्ट ऐसा हुआ हो क्या कोई और भी कानून है इससे रिलेटेड तो कोई भी डेफिनाइट रूल्स नहीं है लेकिन 2015 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में जहां पर जो जज जे चिलामेश्वर जी थे उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए किसी भी जज का किसी पर्टिकुलर केस में कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है तो और कोई फरकर फर्दर इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जुडिशियल डिस्कवालीफिकेशन अपने आप एग्जिस्ट करेगी ठीक है फिर ये ओथ ऑफ उफ ऑफिस भी लेते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जज बनते हैं तो वहाँ पे आपको एक ओथ ऑफ उफ ऑफिस लेनी होती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहीं और भी अगर आप किसी भी कोर्ट में जज बनते हैं तो ओथ ऑफ उफ ऑफिस लेनी होती है कि क्या ओथ ऑफ उफ ऑफिस होती है कि हम जस्टिस डिलीवर करेंगे विदाउट फियर और फेवर ये फियर और फेवर है अफेक्शन और इलविल तो ये ओथ में लिखा होता है होता है आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे खुद ऐसे ही शब्दों में समझ आता है बिकॉज दोज हाई फाई वर्ड्स या फिर बोल सकते हैं बहुत ही टेक्निकल टाइप ऑफ वर्ड्स ना मुझे समझ आते एंड ना ही मैं uh, समझाने में विश्वास करती हूँ तो मैं ईजी लैंग्वेज में उसको समझाती हूँ ठीक है लेकिन जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं काम भी आते हैं एंड uh, हमें यूज़ भी करने होते हैं सो so, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम अलीगल एंटिटी स्टेटस टू एनिमल्स ठीक है तो ये मैंने नंबर्स भी वही लिखे हैं जो पी में लिखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा मैच करने में प्रॉब्लम ना आए बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मीन्स पी की वजह से ही आ, पढ़ते थे सो so, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोज छोड़ कर ना चले जाएँ इसीलिए मैंने नंबर्स भी वही रखे हैं ताकि आप पेजेस भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप वीडियोज़ को छोड़ कर ना जाएँ ओके एंड जब आप थोड़ी दिनों तक देखेंगे कि नोट्स हाँ, भी फुल फ्लेज है फिर मुझे आपको यह बात भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लीगल एंटिटी स्टेटस टू एनिमल्स तो एनिमल्स को भी लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलना चाहिए ऐसी डिमांड उठ रही है ठीक है ऐसी डिमांड आई है कि जो एनिमल्स uh, हैं उनको भी स्यू किया जा सके एंड वो भी स्यूड हो सके इन कोर्ट्स ऑफ लॉ क्योंकि लीगल एंटिटी का मतलब तो यही होता है नव आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर क्या है आर्टिकल ट्वेंटी में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल uh, की लाइफ भी आती है ठीक है तो इसलिए अब ऐसा क्यों क्यों एनिमल्स को लीगल एंटिटी मानना चाहिए क्योंकि एनिमल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी फैल रही है एंड उनकी जो राइट्स हैं वो सिर्फ पेपर्स तक सिमट कर रह गई हैं उनको रियलिटी में राइट्स नहीं मिल पा रही हैं एंड ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी जस्टिस शर्मा हैं एंड इन्होंने पहले से ही इन्हें लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया हुआ है और किसको दिया हुआ है अभी मैं आपको नोट्स में आगे दिखाती हूँ तो लीगल एंटिटी मीन्स जहाँ पर जो प्लांट्स हों अभी तो एनिमल्स की बात चल रही है कि जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी एक नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट कर सके लेकिन इनको तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब कोर्ट के थ्रू लॉ के थ्रू एम्बिट ऑफ लॉ के थ्रू एक डेजिग्नेटेड पर्सन के थ्रू इन्हें ये हक दिया जाए ठीक है अब देखिए प्रीवियस 2018 के अंदर जस्टिस शर्मा ही थे जिन्होंने पंजाब एंड ये पी एंड एच मीन्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो जस्टिस शर्मा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एनिमल्स को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया था 2017 में ही जस्टिस शर्मा ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर गंगा एंड यमुना को भी लीगल एंटिटी का स्टेटस दे दिया था लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था ठीक है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था ये ध्यान रखिएगा 2018 में उत्तराखंड कोर्ट ने पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी का स्टेटस दे दिया था 2019 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने सभी एनिमल्स सभी बर्ड्स सभी एक्वेटिक लाइफ जीवित लोग ठीक है जीवित तो इनको लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला हुआ है आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड वन थिंग मोर जब अगर आप मेरे नोट्स को सुनकर इनको रिवाइज करेंगे तो मैंने पोस्ट भी किया था क्योंकि मैं खुद भी देखिए मैंने पहले इनको समझा है फिर इनके नोट्स बनाए हैं नोट्स बनाते बनाते ही समझ में आ जाता है कि क्या टॉपिक है एंड जब मैं वीडियो भी बना लेती हूँ एंड उसके बाद हार्डली मुझे ट्वेंटी मिनट्स लगती हैं इन टेन पेजेस को रिवाइज़ करने में बट यही है कि करंट अफेयर्स पर पूरा होल्ड होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है चाहे फिर वो मीनस की बात आई या चाहे प्रीलिम्स की बात आए अगर आप इस बार भी मेंस देने वाले हैं या अगर आप नेक्स्ट टाइम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा मीन्स हैबिट में लेके आइए करंट अफेयर्स को बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है चलिए आगे करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएंगे तो इसमें क्रिमिनलाइजेशन हमने लास्ट ईयर भी किया था इस साल भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट आई है एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो कानून बनानो लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं जो कानून बनाते हैं तो जो एम है जो एम है इनके खिलाफ ही केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं तो ये रिपोर्ट आई है इसे फाइल किसने किया था इसे फाइल किया था एक सीनियर एडवोकेट हंसरिया ने एंड पेंडिंग केसेस क्या क्या हैं तो फोर 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 टू मीनस चार हजार चार सौ बयालीस जो केसेस हैं वो पेंडिंग है जिनमें से एमपी एंड एम के खिलाफ ही टू फाइव सिक्स सिक्स केसेस हैं ठीक है तो काफ़ी शर्मनाक बात है ये नाउ ये जो केसेस हैं ये पेंडिंग है स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी क्योंकि ये वो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि अगर कोई एमपी या कोई एमएलए कोई क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो इन्हें सॉल्व करें लेकिन इन स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी ये केसेस क्या हैं पेंडिंग है अब क्यों पेंडिंग है मींस क्या केसेस हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी को डीफेम करने के चीटिंग के पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के तो ये सब केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं नाउ ये क्योंकि कुछ मान लीजिए जैसे पब्लिक सर्वेंट हैं आप भी कुछ पब्लिक आगे पब्लिक सर्वेंट बनेंगे जब आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा आप कोई ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर को नहीं मानना तो उसके अंदर भी ये वॉयलेट करते हैं सेक्शन 188 आईपीसी को जिसकी वजह से इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं एंड 413 वन थ्री ऐसे हैं जिनको एम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ भी दिया गया है जिनमें से वन सेवन फोर केसेज एम पीज़ एंड एम के ही खिलाफ़ हैं ओके okay, तो ये अपियरेंस स्टेज के अंदर होते हैं एंड सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो कहां हैं? यूपी के अंदर है उत्तर प्रदेश के अंदर समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा कीजिए थोड़ा इंटरेक्ट किया कीजिए अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट क्या कहता है कि जो लॉ मेकर्स हैं अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल केस किया है तो वो इलेक्शंस नहीं कौन इलेक्शन के कंटेस्टेंट नहीं बन सकते ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है एंड जो सेक्शन एट है वो डिसक्वालीफाई करता है ऐसे लोगों को जिन्हें दो साल से ज़्यादा समय की सज़ा हुई हो ठीक है ये आपका उसमें भी पूछा गया था इस बार के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर ओके okay, एंड जो ट्रायल के अंदर होते हैं मींस अभी वो मीन्स uh, उनका रिजल्ट नहीं आया है कि वो कन्विक्टिड है या नहीं है मींस उन्हें सज़ा होगी या नहीं होगी तो वो एलिजिबल है वो कंटेस्ट कर सकते हैं अब देखिए अगेन रीजनस क्या क्या होते हैं क्यों इनके खिलाफ केसेस चलते हैं क्योंकि या तो, या तो ये भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं या वोट बैंक की वजह से इन्होंने कोई दंगे वगैरह कराए होते हैं या गवर्नेंस की कमी होती है नौ किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वही इन्हें टिकट्स ना दें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसे थोड़ा अमेंड करके और सुधारा जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए थोड़ी और पारदर्शिता लाई जाए ट्रांसपेरेंटी ला, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके फाइनेंशियल जो पार्टीज़ है उनको भी ऑडिट करें ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन रिवाइज टाइम लाइन फॉर कैंडिडेट्स तो इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम लाइन थी कैंडिडेट्स के लिए वो रिवाइज कर दी ये इशू इसी वजह से है क्रिमिनलाइजेशन की वजह से कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपने नॉमिनीज में जिसने भी नामांकन किया है तो उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिश करना होगा डिटेल्स को छापना होगा ठीक है तो गाइडलाइंस क्या है देखिए पहली पब्लिसिटी जो होगी Uh, last date of withdrawal say विद इन फर्स्ट फोर डेज करनी होगी सेकेंड जो है विद इन फिफ्थ और एट्थ डे करनी होगी जो थर्ड है वो नाइन्थ डे से लेके लास्ट डे ऑफ कॉम्पेन तक करनी होगी एंड मीन्स जो uh, पोल से पहले के जो दो दिन होते हैं उससे uh, वो उससे दो दिन पहले उस आई मीन्स लास्ट डे ऑफ कॉम्पेन क्योंकि कंपेन क्यों जो है वो दो दिन पहले तक ही कर सकते हैं ना वो मान लीजिए आप आज वोट देने जाते हैं तो उससे दो दिन पहले जो होती है कॉम्पेनिंग बंद हो जाती है तो कॉम्पेनिंग से एंड नाइन्थ डेज के बीच में थर्ड पब्लिसिटी करनी होगी मीन डिटेल्स पब्लिश करनी होगी एंड लास्ट वोटर्स को हेल्प करना होगा इनफॉर्मल तरीके से कि किस तरीके से वो अपनी चॉइसेस को यूज कर सकते हैं ठीक है इसके साथ आपको और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि वो कंटेस्टेडेस्टेंट्स uh, या कैंडिडेट्स जो कि नॉमिनेशन के थ्रू आए हों या अनकंटेस्टेड हों उनके बारे में भी डाटा पब्लिश करना होगा ठीक है तो नॉमिनेटेड अनकंटेस्टेड और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले नाव ये जैसे ही वो नॉमिनेशन नामांकन करेंगे तब से स्टार्ट हो जाएगा एंड कॉम्पेन पीरियड तक एंड होगा नाउ इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था सितंबर 2018 में एंड ये भी कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो फील्डिंग कैंडिडेट्स हैं मीन्स जो एक तरीके से फील्ड पे काम करते हैं मीन्स एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे फील्ड का मतलब है जैसे घूम घूम के जो लोग काम करते हैं लोगों को बोलते हैं हमें जिताइए या जो जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें भी पब्लिक को बताना चाहिए कि आप लोगों को क्यों चूज करें उन लोगों के कंपेरिजन में जिनका क्लीन रिकॉर्ड है तो वो समझ में आ गया होगा आई थिंक एंड प्लीज थोड़ा लिखिए लिखिएगा आप जरूर चलिए आप करते हैं डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके बाद डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आएंगे तो काफी पॉइंट्स इसी के वहां पर आएंगे सो इसको ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो देखिए कांग्रेस एंड जो अपोजिशन पार्टी है राज्यसभा में उन्होंने एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है ठीक है क्या स्ट्रैटेजी बनाई है देखिए अगर मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आता है मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आएंगे तो मेंस के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको इन वाई इन न्यूज़ ना लिख कर बल्कि ये भी लिखना होगा कि ये आजकल क्यों मैटर चल रहा है ठीक है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए तो जो हरिवंश नारायण सिंह जो थे वो मीन्स डिप्यूटी चेयरमैन थे अब उनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो गई है क्योंकि वो री इलेक्ट हो गए हैं अपर हाउस में एज अ फ्रॉम बिहार तो अब पोस्ट जो है वो क्या है खाली है डिप्यूटी चेयरमैन की एंड आर्टिकल एट्टी नाइन आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही हो गया कि राज्यसभा के अंदर ही जो मेम्बर्स होंगे वो अपने मीन्स डिप्यूटी चेयरमैन को यूज़ करेंगे अपने एम पीज़ में से ही ठीक है फ्राम अमंग स्टेट्स मेम्बर्स ये हो गया मीन्स कौन बन सकता है कब सीट खाली हो जाती है अगर मान लीजिए मेम्बर आप और बनने मीन्स मेंबर ही आप ना रहें राज्यसभा की अगर आप मेंबर ही नहीं रहेंगे तो आप डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे या मान लीजिए डिप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को चेयरमैन कौन होता है वाइस प्रेजिडेंट अगर आप चेयरमैन या वाइस प्रेजिडेंट को लिख देते हैं कि भाई हम तो रिज़ाइन कर रहे हैं डिप्यूटी चेयरमैन तो भी आप हट जाएंगे डिप्यूटी चेयरमैन की बात चल रही है ठीक है अगर मान लीजिए आपके खिलाफ डिप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन मूव किया जाता है एंड उसे मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो पास कर देते हैं तो चौदह दिन का नोटिस लेकर भी उन्हें हटाया जा सकता है अब डिप्यूटी चेयरमैन करते हैं, क्या क्या है डेप्यूटी चेयरमैन जब हमारे जो चेयरमैन होंगे राज्य ये, ये मान लीजिए राज्यसभा यहाँ पे चेयरमैन है चेयरमैन कौन है वाइस प्रेसिडेंट कौन है वाइस प्रेजिडेंट वेंकैया नायडू जी तो वेंकैया नायडू जी सॉरी तो जो वेंकैया नायडू जी, जी जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ मान लीजिए परफॉर्म करने में मान लीजिए वो अभी प्रेजिडेंट जो हैं एक्टिंग एज प्रेजिडेंट और वेन वैकेंट मीन्स मान लीजिए जो चेयरमैन हैं जो वेंकैया नायडू जी हैं वो अपनी मीन्स यहाँ पे आई थिंक वो आना चाहिए कि मान लीजिए उनको जो काम है वो किसी और का क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं जब मान लीजिए प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है उनकी जगह पर काम करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन बनकर कौन काम करेगा तो डिप्यूटी चेयरमैन करेंगे अगेन सेम पॉइंट अगर मान लीजिए वाइस आपके जो चेयरमैन हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही नहीं है तो चेयरमैन की तरह काम करेगा कौन डिप्यूटी चेयरमैन ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा हुए, देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ ये मान लीजिए आपकी राज्यसभा है तो आपके जो चेयरमैन होते हैं मीन्स वो वाइस प्रेजिडेंट भी होते हैं ठीक है ठीके? जैसे वेंकैया नायडू एंड इसके नीचे होते हैं आपके डिप्यूटी चेयरमैन ओके okay, तो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट अभी खाली है तो जब मान लीजिए चेयरमैन ही नहीं होंगी क्यों क्योंकि ये बन रहे हैं प्रेजिडेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजिडेंट का काम कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे अभी नहीं है तो इनकी जगह खाली हो गई तो डिप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन में ठीक है देन देखिए स्मूथ रनिंग ऑफ हाउस के लिए भी डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं अब इनको चेयरमैन से सबॉर्डिनेट नहीं माना जाता है ये नहीं कहा जाता कि आप सबॉर्डिनेट हैं आप चेयरमैन से नीचे काम करेंगे नहीं ये भी राज्यसभा को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इनको भी रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेज मिलते हैं अब इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है तो राज्यसभा के जो एम होंगे वो एक मोशन मूव करेंगे एंड इस मोशन को मीन्स uh, सेकेंड uh, करना होगा किसी और एम पी को भी फिर ये जो मोशन है वो वो एम पी भी साइन करेंगे जिसका नाम प्रपोज किया गया है मान लीजिए जैसे किसी का भी नाम प्रपोज किया गया कि इसको डिप्यूटी चेयरमैन बनाना चाहते हैं तो वो भी उसके ऊपर साइन करेंगे फिर मेजोरिटी डिसाइड करेगी कंसेंसस से मीन्स uh, सहमति से एंड जो एम पी होंगे वो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे यानी कि डिप्यूटी चेयरमैन बन जाएंगे ठीक है चलिए अब एक और टॉपिक आता है इसके अंदर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन क्या होता है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन सब रूल वन के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक कोई न्यू पैनल नहीं अपॉइंट होता है तो एक तो ये तब तक काम करेंगे इन्हें चेयरमैन ही नॉमिनेट करते हैं मीन्स आपके वाइस प्रेजिडेंट मेम्बर्स के अंदर से ही ये होते हैं ठीक है तो ये सब ध्यान रखिएगा इन्हें नॉमिनेट कौन करता है यहाँ पर नॉमिनेटेड बाई प्रेजिडेंट नहीं है नॉमिनेटेड बाई चेयरमैन है तो ये ध्यान रखिएगा एंड सिक्स से ज़्यादा पैनल नहीं हो सकता ठीक है मतलब सिक्स ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते अब मैंने आपको कहा था कि इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर में भी काफी सारे यही पॉइंट्स हैं तो मैंने वो थोड़ा सा इसके अंदर मींस एज सेम अवव लिखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे ये लोकसभा है लोकसभा हो गई आपकी तो लोकसभा के अंदर भी एक तो होते आपके स्पीकर और एक होते आपके डिप्टी स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पिछले आ, uh, सवा साल से डेढ़ uh, सवा व फिफ्टीन मंथ से नहीं है लोकसभा के अंदर इसलिए तो ये न्यूज़ में है इनकी जगह पे एक पैनल बनाया हुआ है एम का एंड वो स्पीकर को क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं काम करने में तो अगर स्पीकर एबसेंट होता है तो टेन uh, मेंबर्स का पैनल बनाया जाता है नाउ आर्टिकल नाइन्टी में ये लिखा हुआ है जब अगर आप पी से मैच करेंगे तो ये वाला आपको जो स्टेटमेंट है ये बाद में नजर आएगा लेकिन मैंने इसको यहीं पे ऐड कर दिया है ठीक है तो आर्टिकल नंबर 93 से रिलेटेड है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है स्पीकर का एंड डिप्यूटी स्पीकर का अब देखिए जो इस डिप्यूटी स्पीकर है ये थोड़ा और डेमोक्रेसी को ज़्यादा सिंबलाइज करते हैं एंड मीन्स क्योंकि आपको पता ही है कि रियल अथॉरिटी कौन होते हैं एंड इनको रिज़ाइन करने की uh, ज़रूरत नहीं होती है ओरिजिनल पार्टी से ठीक है ज़रूरी नहीं है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं एंड uh, ये मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊँगी कि कन्वेंशन के थ्रू आपकी ओपोजिशन पार्टी होती हैं, जैसे मान लीजिए स्पीकर हो गए तो जो डिप्यूटी स्पीकर हैं तो ये ऐसे रूल बनाए हुए है कि भाई इसे ऑपोजिशन पार्टी से आप चूज कीजिए तो इनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती ओरिजिनल पार्टी से लेकिन हाँ आपको इम्पार्शल रहना पड़ेगा इनको इम्पार्शल रहना पड़ेगा तो अगेन अगर मान लीजिए स्पीकर हैं वो उनको डेथ या फिर इलनेस हो गई है या किसी और कारण की वजह से तो ये स्पीकर की तरह काम करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है देखिए लोकसभा के अंदर प्रेसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर एंड राज्यसभा के अंदर प्रेसाइडिंग ऑफिसर है आपके आपके वाइस चेयर सॉरी चेयरमैन जस्ट अ मिनट आपके हैं चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट तो यही तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ठीक है तो इनको ये जवाबदेही मीन्स इनके जगह पर ये काम करेंगे अगर ये एबसेंट होते हैं तो एंड इन्हें फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा में ही इलेक्ट कर लिया जाता है एंड जैसा कि मैंने कहा था कि कन्वेंशन के थ्रू जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से आते चलिए लास्ट टू पेजेस और हमारे बचे हैं तो सबसे पहले देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू उन्होंने रिजेक्ट कर दी है क्योंकि जो राज्यसभा के अंदर जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उनके खिलाफ कांग्रेस ने क्या किया था एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया था एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है लेकिन जो वहाँ के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू जी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो कन्वेंशन के थ्रू जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो सेशंस को हैंड नहीं कर सकते तो उन पर क्या इल्जाम लगाया गया कहा गया कि ये पार्लियामेंट प्रोसीजर्स को वॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि फार्म सेक्टर बिल्स आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे एंड उनके से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड ये बोलने का भी मौका नहीं देते एंड पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर भी रेस करने नहीं देते ठीक है तो ऐसे इनके ऊपर लगाए गए तो रिमूवल कैसे किया जा सकता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है फोर्टीन डेज का नोटिस देने के बाद एंड मोशन मूव करने के बाद अब देखिए क्या एम को हाउस से सस्पेंड किया जा सकता है तो न्यूज़ में क्यों है क्योंकि आठ राज्यसभा एमपी को सस्पेंड किया गया 21 सितंबर को उनके अन बिहेवियर की वजह से उनके गंदे बिहेवियर की वजह से तो गवर्नमेंट ने एक मोशन मूव किया एंड वॉइस वोट से वो पास हो गया जिसकी वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो इन लोगों को बोल सकते हैं कि अब आप हाउस से विड्रॉ कर जाइए यहाँ से चले जाइए लेकिन देखिए विड्रॉ करने की तो पावर है ठीक है बट डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड अ मेंबर आप ये तो बोल सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कि आप बाहर चले जाइए ठीक है लेकिन सस्पेंड नहीं कर सकते उस टाइम पे आप बोल सकते हैं तो जो हाउस होगा वो एक दूसरा मोशन भी पास करेगा अगर मान लीजिए राज्यसभा चेयरमैन जो है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी मेंबर को विड्रॉ करा दिया अब उनको मान लीजिए क्या करना है उनके सस्पेंशन को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी दूसरा मोशन मूव किया जाएगा ओके एंड ये जो है आपका रिमेनिंग जो पीरियड है उससे ज्यादा के लिए नहीं हो सकता अब इस टाइम पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं मीन्स आपके जो अगेन देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के अंदर स्पीकर एंड राज्यसभा के अंदर आपके डिप्यू सॉरी चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट ठीक है तो यही डिसाइड करते हैं कि जो हाउस है उसके अंदर ऑर्डर बना रहे तो क्या ये जस्टिफाई है तो जस्टिफाई है क्योंकि एक बैलेंस स्ट्रक करने की ज़रूरत है एंड ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उनका काम होना चाहिए हाउस को रन करने का नॉट टू लोड ओवर इट मीन्स एक तरीके से आ, लोड नहीं बनना है भगवान नहीं बनना है बट हमें हाउस को रन करने के लिए कभी कभी उनको विद्रॉ भी कराना पड़ता है ठीक है ये पेज थोड़ा ब्लर आ गया है बट कोई बात नहीं आ, मैं और ध्यान कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग सी सी आर जी ए तो उन्नीसवीं मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी कहा था कि आप एक तीन मेंबर तीन जो सदस्य की बॉडी बनाइए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ एडवर्टीजमेंट देता है अब उस एडवर्टीज़मेंट के अंदर वो क्या कह रहे हैं उसके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कमेटी बनाइए तीन मेंबर की तो ये मैंडेटरी है बनानी पड़ेगी किस किस ने बना ली है तो बना ली आपकी कर्नाटका ने गोवा ने मिज़ोरम ने नागालैंड ने ये दो नॉर्थ ईस्ट के हैं ये आपके साउथ साइड के हैं तो इनको आ, एड्रेस करने होंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी जनरल पब्लिक से कंप्लेंट आ जाती है तो उनके खिलाफ किसी के ख़िलाफ़ क्या अ... करना है आगे तो ये वो कमेटी देखती है एंड कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिशियल को ये समन भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ये हैं कि एडवर्टीज़मेंट का जो कंटेंट हो वो रेलिवेंट हो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशनस के अकॉर्डिंग ही हो जो एडवर्टीजमेंट का मटीरियल हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि कॉम्पेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाए एंड एक्यूरेट एडवर्टीजमेंट बनाइए कोई ऐसी मान लीजिए कोई भी एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बना दी किसी ऐसी पॉलिसी को लेके जो कि दस साल पहले की है तो ऐसा नहीं करना है तो किसी प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए एडवर्टीजमेंट मत बनाइए कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोमोट करने के लिए आ, वो मत बनाइए ठीक है चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे लेट वर्चुअल कोर्ट्स स्टे लॉ पैनल तो लॉ पैनल ने क्या कहा है कि वर्चुअल कोर्ट्स को चलाते हैं वर्चुअल कोर्ट्स क्या होते हैं ई कोर्ट्स जैसे आपने देखा होगा कोर्ट्स में भी काफ़ी सारे केसेस ऐसे हुए जो कि लैपटॉप के थ्रू नेट के थ्रू सुनवाई हुई उनकी तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ ऑन लॉ एंड जस्टिस उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि वर्चुअल कोर्ट्स की फंक्शनिंग कैसी रही एंड कहा गया कि कोविड नाइन्टीन के टाइम पर इसको कंटिन्यू रखा जाए एंड इवन जो कुछ केस सेस हैं जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक के केसेस हो गए तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आप रेगुलर कोर्ट से मीन्स इनका काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही अच्छा हो सकता है तो वो वर्चुअल कोर्ट के अंदर शिफ्ट किया जाए एंड प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है खास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एंड अभी आप देखोगे कि जो यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है कि फिफ्टी लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप ही नहीं है घर पर तो होगा काम करने की जगह नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो ये भी देखे कि डाटा प्राइवेसी बनी रहे एंड डाटा सिक्योरिटी भी बनी रहे तो चैलेंजेस क्या हैं चैलेंजेस यही हैं कि प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है फिफ्टी परसेंट लॉयर्स के पास लैपटॉप नहीं है सिस्टम जो है वो बीच में क्रैश हो जाते हैं सुनवाई होते होते एंड प्राइवेसी एंड जो कॉन्फिडेंशलिटी है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ठीक है इसे आप एथिक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे भी अफ्यू विश आप यूज कर सकते हैं देन एक टर्म ध्यान रखिएगा जूम बॉम्बिंग जूम बॉम्बिंग यूएस के अंदर देखा गया इसके अंदर क्या पाया गया कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस को देखा जा रहा था तो जो हैकर्स थे जो इंटरनेट ट्रोल्स थे वो अनवाटेडली क्या कर रहे थे आई मीन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे तो वर्चुअल कोर्ट्स क्या होते हैं वर्चुअल कोर्ट्स ई कोर्ट्स होते हैं ये ध्यान रखिएगा एक नेशनल पॉलिसी बनी हुई है एंड एक्शन प्लान है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडियन जुडिशरी में 2005 में बनाया गया था ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये भी यही देखता है कि इसे बनाया किसने है इसको फंड कौन देते हैं इसको फंड देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए बनाया गया है बनाया गया है मेन एम यही है डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो सके चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो इसको थोड़ा चेंज भी किया गया है तो इसने आसाम जो गवर्नमेंट है उनको ऑर्डर किया है कि एक लाख रुपए पे करो एक 48 साल के बुजुर्ग को क्योंकि एक साल पहले आपने उनको हटाया था क्योंकि वो अपने टी स्टॉल पे एक बीफ जो था वो कुक कर रहे थे वीकली मार्केट के अंदर तो न्यूज़ में तो ये है इसलिए ठीक है अब एन एच आर सी होता क्या है एन एच आर सी आपका दिस इज योर प्रोवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट सॉरी नॉट प्रशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो नाइनटीन नाइनटी थ्री में जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ये बना था सो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है क्या है स्टैचूटरी बॉडी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है अब देखिए इसके जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं इन्हें कौन

მითა लीडर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे राज्यसभा के भी लोकसभा के भी एंड होम मिनिस्टर होंगे ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा मेंस में आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है नाउ इनका जो टर्म है वो फाइव इयर्स एंड सेवेंटी इयर्स की अगर एज पहले हो जाती है जो भी पहले हो जाए इनको हटाया भी जा सकता है कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे एंड मैंने इसको देखो डिफरेंस के फॉर्म में बना दिया है एंड आपको पी में भी ये डिफरेंस के फॉर्म में लेगा लेकिन मैंने उसको और ज्यादा मींस उसको कंप्रेस कर दिया है एंड आपको सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 12 अक्टूबर को बना था इसको अमेंड किया गया 2019 में पहले यह था कि जो चेयर पर्सन है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही हो सकते हैं लेकिन अब क्या कहा गया है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया पहले सिर्फ टू मेंबर्स होते थे अब थ्री मेंबर्स हैं पहले जो नेशनल कमीशन थी माइनॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स वमेन के लिए जाती थी अब बैकवर्ड क्लासेस चाइल्ड राइट्स चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसबलिटीज भी लिए गए हैं तो ये तीन ऐड कर दिए गए हैं बैकवर्ड क्लासेज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन विद डिसबिलिटीज फॉर विद डिसबलिटीज़ पहले टाइम था पाँच साल सत्तर अभी हो गया है रिड्यूस कर दिया इसको तीन साल कर दिया है पहले जो था वो क्या कहा गया था कि अगर मान लीजिए रिअपॉइंटमेंट होती है तो पूरे पांच साल के लिए होगी हो लेकिन अब कहा गया कि तो होगी लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पूरे पांच साल के लिए ही होगी एक बात और यहाँ पे एक सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह ही होते हैं एंड इनको पावर्स दी जाती हैं एंड यहां पर जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो फाइनेंशियल पावर्स होंगी वो चेयरमैन के कंट्रोल में कंट्रोल में रहेंगी ठीक है तो यहाँ पर ये यह कर दिया गया है ओके सो ये हमने कर लिए हैं अपने पी अगर आपको ये नोट्स चाहिए एंड जैसे कि रिप्लाई आया काफ़ी लोगों का तो मुझे दो तीन दिन दीजिए मैं इसको पोस्ट कर दूंगी इंस्टामोज़ो पर एंड देन आई विल शेयर अ लिंक विद यू एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा ओके सो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं चलिए अब इसके फटाफट हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ये आपको क्वेश्चन के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपको देखने को मिलेगी मैंने स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं एंड मैंने एक फोल्डर बनाया है सितंबर 2020 से एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगते हैं या ये डायग्राम्स लगते हैं तो मैं इन्हें उनमें सेव कर लेती हूँ ओके सो आप भी चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं स्क्रीन या बना सकते हैं एंड देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कितने परसेंट जो केसेस हैं वो क्रिमिनल केसेस के हैं कितने परसेंटेज इनके सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं तो 2019 जो लोकसभा थी उसके अंदर 43 परसेंट जो विनर्स थे उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तो ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसका फोटो ले लिया है क्योंकि मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इसको थोड़ा इस तरीके से ही देखना कम्फर्टेबल रहता है चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन एट जो है वो किससे रिलेटेड है आपका एंड ये आपके टॉपिक बनेगा यहाँ पर देख लीजिए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से ठीक है तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो भी हमने केसेस पढ़े थे तो उसके अंदर आप देखिएगा दोबारा रीड कीजिए मैंने उसको एम्फेसाइज भी किया था कि सेक्शन नंबर एट किससे रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स हैं ठीक है देन मीन्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या कंसर्न है एंड सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए एंड क्या किया है ठीक है तो इसके अंदर आप वो पी डी दोबारा से रिवाइज़ कीजिए देन देखिए हमने पढ़ा था डिप्यूटी चेयरमैन जिसके लिए जो कांग्रेस एंड जो अपोजिशन पार्टी है दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेटेजाइज तो क्या एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए आर्टिकल नंबर एट्टी नाइन जो कि इसी से रिलेटेड uh, है डिप्यूटी uh, चेयरमैन को कब अपनी सीट वैकेट करनी होती है तो वो भी मैंने आपको तीन केसेस बताए थे उनके क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन क्या होता है ठीक है मीन्स में पूछा जा सकता है कि, कि किस तरीके से डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर यही आ, ये दो पॉइंट्स और हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है क्योंकि उसके अंदर कहा था ना कि उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है एंड बोलने का नहीं मौका दिया जा रहा है तो ये उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आएंगे कि जो क्या प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने होते हैं लोकसभा में एंड राज्यसभा में एम के इलेक्शन से रिलेटेड क्या अपील्स होती हैं क्या रूल्स हैं एंड एम को सस्पेंड करने की जो पावर है वो किसके पास है एंड रिवोक करने की पावर किसके पास है ठीक है मेंस में पूछा जा सकता है कि जो सॉल्यूशन है ये जो अन्यूली बिहेवियर क्योंकि आठ जो सांसद थे उन्हें विद्रॉ करने के लिए कहा गया था सस्पेंड किए गए थे तो आ, ये लॉन्ग टर्म है काफी लंबे समय से चला आ रहा है तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए तो ये आपके मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको उसी आ, जो नोट्स हैं उसमें से आपके प्रिलम्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे एंड मीन्स के भी मीन्स के भी यही क्वेश्चन आएंगे चलिए नेक्स्ट में आपका जो सी सी आर जी है दैट इज कॉन्टेंट ये था आपका कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन ऑफ इन गवर्नमेंट एडवर्टीजिंग टाइजिंग तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका क्या मतलब है ये कब बनाई गई थी इसके पास क्या पावर्स हैं किस किस स्टेट ने बना लिया तो मैंने आपको बताया था दो स्टेट कर्नाटका एंड गोवा बताई थी और उधर से आपकी मिजोरम एंड नागालैंड बताई थी नॉर्थ ईस्ट में ठीक है सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट में तो काफ़ी ईजी थी आप एक बार और रीड कर लीजिएगा कि कुछ भी ऐसा ना हो जो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के ही होना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मीन्स इेशनल हो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग ही लीगल प्रोसीडिंग के अंदर ही होना चाहिए तो इसके रोल एंड मैंडेट भी पूछा गया है तो देखिए यही मीन्स के क्वेश्चन हैं जो हर दिन जो इन साइट आईएस है वो अपने उस पर अपलोड करता है तो अगर आप मेरा वीडियोज देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ प्रिपेयर होगा यू डोंट नीड टू विजिट द साइट अगेन एंड अगेन अगेन फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट आपको ट्रस्ट करना होगा चलिए लास्ट टॉपिक है ये नहीं इसके बाद एक और है वर्चुअल कोर्ट्स कौन वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं वो बनाते हैं एंड हु इज़ अथोराइज यही है ई कोर्ट्स e किसने लॉन्च किए थे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है लॉ कमीशन क्या होता है तो ये कुछ एक्स्ट्रा है ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे एंड वर्चुअल कोर्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है तो ये कोविड नाइन्टीन के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए अब लास्ट टॉपिक है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर कौन कौन आता है तो उसके अंदर कौन कौन आता है किस किस के बेसिस पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं कैसे सिलेक्शन होता है टर्म क्या होती है रिमूवल क्या है कैसे आ, वो घटी ठीक है ये सब क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए तो वो अगर आप अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंड अगर आपने मेरा वो वीडियो के अंदर जो लास्ट मैंने आपको पेजेस समझाए अगर वो आपको लर्न हो गया है एंड अगर आपने दो तीन बार नोट्स को पढ़ा है एंड अगर रिवाइज किया है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे ठीक है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं सो थैंक यू सो मच वीडियो इज़ डन एंड इसके बाद जिनको भी नोट्स मिलेंगे एंड जो अपने खुद के भी नोट्स बना रहे हैं ठीक है खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो और भी अच्छी बात है तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज़ होगा एंड अगर आप पी को भी रिवाइज़ करेंगे तो भी आपको बहुत जल्दी रिवाइज़ होगा ठीक है so, सो ट्रस्ट रखना है खुद भी रिवाइज़ करना है बार बार रिवाइज़ करना है बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसी लगती हैं आप कमेंट्स बहुत कम करते हो एंड देखिए व्यूज़ तो खैर चैनल पर कम ही आते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स uh, भी कमी हैं पर जो हो वो जो देखते हो रेगुलरली वो तो कमेंट्स करा करो कि भाई कैसी लगी वीडियो नोट्स कैसे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ओके सो थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग